तो करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में आतिशबाजी पर प्रतिबंध का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सीनियर एडवोकेट एसके सिंह ने इस संबंध में याचिका दायर की है। याचिका में प्रतिबंध को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही उन्होंने याचिका में हवाला भी दिया है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में भव्य आतिशबाजी की गई, इस बात का हवाला इस याचिका में दिया गया है। दुनिया भर में नए साल पर कई देशों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया है, तो फिर प्रदेश में दो वर्षों से पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? जबकि कोरोना अब टीकाकरण से नियंत्रण में है, ये तमाम बातें याचिका में कही गई हैं। सिनेमा हॉल, स्कूल, धार्मिक स्थल सब खोल दिए गए हैं, लेकिन आतिशबाजी पर प्रतिबंध सरकार की ओर से लगातार दूसरे साल लगाया गया है। भारत के कई अन्य राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो राजस्थान में पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, यह सारी बातें याचिका में कही गई हैं। पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। दीपावली का त्यौहार राजस्थान में कोरोना का वाहक कैसे बन सकता है, ये बातें याचिका में कही गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी। मनीष, आतिशबाजी को लेकर लगातार दूसरे साल प्रतिबंध लगाया गया राज्य सरकार की ओर से, और अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, क्या कुछ जानकारी? राजस्थान के अंदर आतिशबाजी पर जो प्रतिबंध लगाने का मामला है हाईकोर्ट के अंदर पहुंच गया है, और सीनियर एडवोकेट सुनील कुमार सिंह ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, और उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी है। उनका कहना है कि राजस्थान के अंदर कोरोना महामारी है, नियंत्रण के अंदर है, टीकाकरण अच्छी पोजिशन में चल रहा है, तो इसके बावजूद राजस्थान के अंदर दूसरे साल जो लगातार है, तो क्यों ये प्रतिबंध लगाया गया? क्योंकि देश भर में बात करें, किसी भी राज्य की तरफ से ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वहीं दुनिया की भी उन्होंने हवाला दिया है कि याचिका के अंदर मेंशन किया है कि दुनिया के अंदर अभी जो टोक्यो के अंदर ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक के अंदर स्टार्टिंग की बात करें चाहे एंड की बात करें, तो दोनों तरफ जश्न मनाया गया, आतिशबाजी, भव्य आतिशबाजी की गई है। साथ ही दुनिया भर के अंदर कई देशों ने नए साल के ऊपर भी भव्य आतिशबाजी की है, तो ऐसों में भव्य आतिशबाजी की जा रही है, और ऐसी कोई भी रिपोर्ट दुनिया के किसी भी देश से नहीं आई है कि प्रदूषण के कारण जो कोरोना महामारी है इसके ऊपर कोई असर होता है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने याचिका में मेंशन की, और राजस्थान सरकार को उन्होंने यही बताया है कि जब किसी राज्य की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो राजस्थान के अंदर दिवाली जो त्योहार है वो किस तरीके से मनाया जाएगा, किस तरीके से लोग जब दिवाली त्योहार मनाना चाहते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी याचिका में मेंशन किया है उन्होंने कि जब किसी भी पार्टी की कोई भी रैली होती है, जब कोई भी नेता बहुत सारे काम करते हैं, तो उसके अंदर ये सब चीजें नजरअंदाज की जाती है, तो ऐसे में फटाखों के ऊपर बैन जो है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो ये इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। जल्दी इस मामले में जो है हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट की ओर से कोई तारीख तय की गई है सुनवाई के लिए? फिलहाल इस मामले में कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन जल्दी इस मामले में तारीख तय हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा मामला है, और इस मामले के अंदर जिस तरीके से मामला है, जो इस मामले में लग रहा है कि जल्दी ही एक सप्ताह के अंदर जो है तारीख इसकी डिसाइड हो जाएगी। जी बिल्कुल, पिछली बार भी देखा गया था, पिछले साल जो पटाखा व्यापारी है वो भी लामबंद हुए थे और वो भी कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सफलता हालांकि नहीं मिल पाई थी, पीक पर कोरोना था। इस बार अब एडवोकेट कोर्ट में पहुंचे हैं, हाई कोर्ट की दहलीज पर ये मामला लेके गए हैं। देखना होगा कि हाई कोर्ट में अब किस प्रकार से इस मामले पर संज्ञान लिया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी, जिन्होंने बताया कि मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, तमाम बातों का जिक्र किया गया है, हवाला दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई, कई देशों में जमकर आतिशबाजी की जा रही है, राजनीतिक समारोह में आतिशबाजी की जा रही है, तो ऐसे में पटाखों पर बैन लगाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।